रखी जाएगी जी पालक पूरी। देखो पालक का कलर कितना ग्रीन है। जब इसको उबालो ना एकदम गर्म पानी में, तो फिर उसको बर्फीले पानी में डाल दो, और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी में पीस लो। आपका जो कलर है पालक का वो मेंटेन रहेगा। तो भाई ये देखो देसी घी डाल दिया है, ये थोड़ा सा गिर गया, और अब बना रहे हैं हम पालक वाला मीट। जी हाँ, एकदम मज़ेदार रेसिपी होगी। पहले इसको अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये है जी खड़े मसाले, ब्लैक पेपर कॉर्न, ग्रीन कार्डमम, लौंग और इलायची, मतलब ग्रीन कार्डमम। देसी घी के अंदर बनेगा बढ़िया सा पालक वाला मीट। पालक हमारी बॉईल हो रही है। तो ये रहे हमारे प्याज, ये अंदाजे से तीन मीडियम प्याज लेने हैं आपको, तीन मीडियम प्याज, और 1.5 किलो मटन बना रहा हूँ मैं, और इसमें कोई टमाटर नहीं डलता, सिर्फ प्याज। अच्छा, अब इस प्याज को हम भुनेंगे और थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, सीटी मारने जरूरी है भाई, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, और उसके बाद फिर इसमें हम मटन डालेंगे। तो ये देखो भाई 1.5 किलो मटन मेरा ये रहा। अच्छा, मटन के जब पीस लोगे ना तो ये बोला करो कि ज्यादा मोटी हड्डी वाले पीस ना डाले, नहीं तो क्या होता है कि सारा का सारा वेट तो हड्डी ले जाता है, आएगा ही क्या मांस। तो थोड़े से गोल पीस, दस्ती, नली, बहुत ज्यादा मत डालना नली, और चापे, ये चीज होनी चाहिए बस। तो अब ये डालेंगे हम प्याज के अंदर, और प्याज के साथ इस मटन को हम भुनेंगे, और हमेशा धीमी आंच पर ही भुना जाता है मटन, ये बात का ध्यान रखना है, तेज आंच पर मत भुनना। ये 1.5 किलो पूरा मटन में डाल रहा हूं। एक किलो पालक है, 1.5 किलो मटन है, और 3 मीडियम प्याज है। अब मिलता हूं मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से भून के। तो अब इसके अंदर डालेंगे जी हम नमक, स्वाद अनुसार डालना नमक। मैं तो उतना नमक डाल देता हूं जितना एक्चुअली में चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ नपा हुआ। तो आप 50% अभी डालें, 50% लास्ट में। अब जी इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, हल्दी बहुत जरूरी है डालना, इसे करेंगे मिक्स। देखो अभी इसमें कुछ नहीं डाला, अभी मैंने इसके अंदर प्याज और मटन और नमक और हल्दी। अब ये और भुनेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो रिड्यूस ना हो जाए, तब तक भुनेंगे। ये देख रहे हो जी, पानी जो था वो पूरा का पूरा सूख गया, रिड्यूस हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अपने मसाले। तो हमने क्या डालना है जी, मीट मसाला। तो ये आधा पैकेट में डाल रहा हूँ पूरा, क्योंकि वैसे ये एक पैकेट क्या होता है, ये एक पैकेट ना 1 किलो के लिए होता है, पर मीट ही 1.5 किलो है और ये पैकेट भी आधा है, तो मैं इसके अलावा भी लाल मिर्ची वगैरह डालूंगा। तो ये धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच, ठीक है जी, लाल मिर्ची लेंगे, थोड़ा सा तीखा स्पाइसी पसंद है मेरे को, तो मैं वैसा ही बना रहा हूँ, गरम मसाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना। अब इसमें डलेगी जी पालक, पालक हमारी बॉईल हो चुकी है, और अब हम उसको मिक्सी में पीस के इसमें डालेंगे, और फिर एक सीटी लगवाएंगे 2 या 3 धीमी आंच पे, जैसा आपका मटन गल जाए। इसको पहले मिक्स करेंगे बढ़िया से, देसी घी डालने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि हमने बनाया ही देसी घी के अंदर है। अगर आप सरसों के तेल में बनाओगे तो इस टाइम पे, इस मतलब स्टेज पे 2 चम्मच देसी घी डाल देना, अगर आप सरसों के तेल में बनाओगे। ये देखो जी कलर कितना बढ़िया आया है। अभी हम इसको धीमी आंच पे ही 5 से 10 मिनट पकाएंगे, और 5-7 मिनट पकाएंगे। और हाँ जी, फिर आ गए हम पालक के साथ, और अब ये जाएगी जी पालक पूरी। देखो पालक का कलर कितना ग्रीन है। जब इसको उबालो ना एकदम गर्म पानी में, तो फिर उसको बर्फीले पानी में डाल दो, और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी में पीस लो। आपका जो कलर है पालक का वो मेंटेन रहेगा।
ये देख रहे हो, ये लास्ट में ये देसी घी सेपरेट हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। ये देखो कितना बढ़िया तरीके से भुना है मटन। अब इसको करो मिक्स। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार बना के देखो, मज़ा ना आए तो मेरे को बताना, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, सुपर गुड जिसे कहेंगे ना वो। देखो मटन इतने अच्छे से मैंने भुना था, पालक भी अच्छे से उबाल के डाल दिया है बढ़िया से, कलर कितना प्यारा आया है, ग्रीन एकदम कलर। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम इसके अंदर सिर्फ आधा गिलास पानी डाल के कुकर को लगाएंगे सीटी, दो सीटी धीमी आंच पे, कुकर खोल के देख लेना, अगर मटन गल गया है तो ठीक है बन गया, नहीं तो एक सीटी और लगवा देना। तो अब मैं चला इसमें पानी डाल के सीटी लगवाने और लास्ट में खोल के दिखाऊंगा जी कैसा बना है। तो भैया अब ये मेरा मीट हो गया है रेडी, अब हम इसे खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देख भाई, पालक वाला मीट इज रेडी। आप जल्दी से ये रेसिपी को ट्राई करो और मैं कह रहा हूँ भाजी मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा। मैं कोई पीस उठा के दिखाता हूँ, ये देखो ग्रेवी देख रहे हो, ओए होए होए क्या बात है, ये देख, आ जा, ये देखो है ना बढ़िया। तो एकदम देसी घी में बनाया, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। नली देख रहे हो, ये आ जा भाई, टैग करो उस दोस्त को जिसको पालक मीट बहुत पसंद है और मिस कर रहा है, ये रेसिपी बना के उसको खुश कर दो बस। बाय बाय।